उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने बेटे मल्हार और बहू कल्याणी से दूर रह रही थी। मल्हार 2 साल पहले ही अपनी माँ से कहकर गया था कि जब वो मुंबई जैसे बड़े शहर में अच्छी तरह सेटल हो जाएगा तब वो उसे गांव से अपने साथ शहर ले जाएगा। मल्हार अक्सर फोन से ही अपनी माँ की खबर ले लेता था और अहिल्या को पूरा विश्वास था कि उसका बेटा उसे लेने जरूर आएगा। इसी तरह दिन बीतते हैं। तभी एक दिन जब रात के वक्त अहिल्या अकेले बैठकर खाना खा रही थी तभी उसके घर में मल्हार की दस्तक होती है, जिसे देखकर अहिल्या फूले नहीं समा रही थी। तभी मल्हार अपनी माँ से कहता है कि मैं तुम्हें शहर ले जाने आया हूँ, मैं वहाँ बहुत अच्छे से सेटल हो गया हूँ, जहाँ मैंने खुद का नया बिजनेस स्टार्ट किया है। हम कल ही मुंबई जा रहे हैं तो आपको अपने साथ जो जरूरतें की चीजें पैक करनी है वो कर लीजिए। इसी तरह अगला दिन आता है, मल्हार अपनी माँ के साथ रेडी होता है और दोनों मुंबई आने के लिए निकल पड़ते हैं। अब मल्हार अपनी माँ के साथ मुंबई शहर आ चुका था। जब कल्याणी अपनी सासू माँ से मिली तभी उसने तुरंत अपने पति से कहा कि मल्हार देखो माँ की साड़ियाँ थोड़ी पुरानी लग रही हैं, तुमने तो अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो जल्दी से कुछ पैसे दो, हम माँ जी को कुछ नई साड़ियाँ दिलवाकर लेकर आते हैं और घर की दूसरी चीज़ें भी लेते आएंगे। मल्हार अपनी पत्नी की बातों से सहमत होता है और कहता है कि ठीक है हम तीनों साथ चलते हैं। इसी तरह तीनों रेडी होते हैं और शॉपिंग मॉल जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ तीनों अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। तभी अचानक अहिल्या अपने बेटे और बहू से बिछड़ जाती है, लेकिन जब कुछ देर बाद वो अपने बेटे और बहू से मिलती है तभी वो देखती है कि दोनों शॉपिंग की ट्रॉली में बैठे हुए थे और दोनों में से एक खतरे में था। वेल दोस्तों, क्या सुहासिनी की तरह आप बता सकते हैं कि तस्वीर में मौजूद इन दोनों में से कौन खतरे में है, कल्याणी या मल्हार? अगर हाँ तो आपके पास इस मजेदार सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का वक्त है और आपका ये समय शुरू होता है अब। दोस्तों, अहिल्या ने जब अपने बेटे और बहू को गौर से देखा तभी उसे तुरंत पता चलता है कि उन दोनों में से कल्याणी खतरे में है, क्योंकि अगर आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो कल्याणी जिस ट्रॉली में है उस ट्रॉली के नीचे बम है जिसमें चिंगारी लगी हुई है और कुछ समय बाद ही वो बम फट जाएगा, जिसे देख कर ही अहिल्या को पता चलता है कि उसकी बहू कल्याणी खतरे में है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही जवाब था? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।